तो जी अब आपको दिखाते हैं हमारा मुजफ्फरनगर की होली। घर पे होली, घर पे पड़ोस में। अब चलते हैं जरा मुजफ्फरनगर की होली देखने, और फोन रखेंगे अपना सेफ्टी के साथ गाड़ी में, वैसे तो फोन ही वाटर प्रूफ है, और मेन वीडियो बनाएंगे 360 डिग्री कैमरा से। तो आपको आज मुजफ्फरनगर की होली दिखाएंगे 360 एंगल से, और इसी के साथ साथ आप सभी को हैप्पी होली। भैया होली का मजा ही अलग है, बाहर सड़क पे अलग ही मजा आ रहा है, होली खेली जा रही है बहुत ही बड़े तरीके से, जिसे कहते हैं ना मौज, वो चल रही है। तो अब चलते हैं भाई सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर के पास, जो बहुत टाइम से वीडियो में भी आ रहा है, तो उसने मुझे बहुत टाइम से बुलाया था, तो मैंने सबसे पहले मैसेज स्टार्ट करेंगे आज। ये था अपना स्टार्टिंग होली की। मिस्टर हर्ष सब्सक्राइबर कम दोस्त जी, आ जाओ ना एक बार, तो छत पे बुला रहा है, छत पे थोड़ी देर बाद आऊंगा, पहले औरों से मिलाऊंगा। ये देखो भैया, ये हैं यहाँ के हाल, बच्चे पढ़ पढ़ के सबको रंग लगा रहे हैं। ये देखो बाबा इलायची बना पड़ रहा है, बाबा इलायची। तो ये है भैया हाल अपना शांतिनगर के साइड का, शहर की स्टार्टिंग करी यहाँ से, जहाँ नाथ फार्म है इसके सामने ही, शांतिनगर ही बोलते हैं शायद इसको। यहाँ का माहौल तो ये था, गली नंबर 13 से बुलाया मुझे अपने कुछ सब्सक्राइबर्स ने, वहाँ चलते हैं, लोकेशन बना रखी है मैंने, और गांधी कॉलोनी का माहौल देखते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल है फिलहाल। ऐसे टाइम पे क्या है कि लौंडे होते हैं रेस में, मोटो जीपी एक गेम आता था पहले, मोटो जीपी होता है, बस फर्क इतना है मोटो जीपी में एक बाइक रहती है स्पोर्ट्स बाइक, यहाँ फर्क इतना यहाँ रहती है स्प्लेंडर एक्टिवा, और उस पर लौंडे बैठे होते चार, तो उसके बाद चलती है मोटो जीपी की रेस, तो उनसे थोड़ा बच के रहना पड़ता है, क्योंकि आज के दिन अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है भाई, तो उससे थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर इसके बिना मजा कहाँ है। देखो ऐसे निकलो टोली बना के और होली खेलते जाओ, इसका मजा भी अलग ही है। पहले स्कूल टाइम में मैं भी यही करता था हमेशा। तो जी अगली होली का कार्यक्रम जहाँ से बुलावा आया था वो है अपने गांधी कॉलोनी गली नंबर 14 में, वो है अपने अमित परपटिया जी, इनके यहाँ चल रहा है रंगारंग कार्यक्रम, चल के देखते हैं कि क्या माहौल है अंदर का। तो जी ये थे हमारे मोहन भाई, उन्होंने मुझे बुलाया था मोहनदास अकेडमी से। हैप्पी होली। और मुझे बढ़िया ठीक ठाक। तो भैया भिन्न भिन्न प्रकार के आपको हमारे मुजफ्फरनगर में दिखेगा होली का फ्लेवर, कहीं हो रहा है संकीर्तन, वो तो होना ही था क्योंकि ये सिटी ऑफ कल्चर, तो संकीर्तन के साथ मना रहे हैं होली, और कहीं चल रहे हैं डांस डीजे, मतलब अलग अलग जगह अलग टाइप का चल रहा है प्रोग्राम। चलते हैं हम मंडी की तरफ, गांधी कॉलोनी देख लिया हमने। हाँ गुलाम भाई हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली, हाँ तो बोलेंगे हैप्पी होली। पुलिस भी पूरी की पूरी तैनात है, पूरी चल रही है, गश्त चल रही है इस बार ना, मैं देख रहा हूँ साल दर साल सिक्योरिटी टाइट होती जा रही है, जिस भी वजह से हो रही है, भाजपा कह लो योगी कह लो मोदी कह लो, पर जो भी हो रहा सही हो रहा है, क्योंकि पहले कभी नहीं देखा मैंने ऐसे इतने लाइन से पुलिस वाले घूम रहे हैं, वरना क्योंकि हर समय बदतमीजी होती थी, कोई कहीं लड़ रहा है कोई कहीं फैल रहा है, तो ये रहेंगे ना अपना तो लोग थोड़ा तमीज में रहेंगे, ये चीज सही लगी मुझे इस बार। काम क्या तुम्हारा? निशान देखते हो वीडियोस? हाँ जी। अच्छी देखने सारी की सारी। अब चलते हैं मंडी की साइड, मंडी में जो श्रीराम स्वीट्स वाले हैं उनके यहाँ चल रहा है होली का कार्यक्रम, और वहाँ पे हैं जो आपने लास्ट व्लॉग, अगर होली का नहीं देखा, लास्ट व्लॉग में हमने ऐसी गंदी होली खेली थी, मतलब जहरीली होली वहाँ पे, उस व्लॉग में जिनके यहाँ में गया था वो थे मेरे फ्रेंड कम कॉलीग हैं, वो है चिराग सर, पर वो इस बार मुजफ्फरनगर नहीं आए, वहीं के रहने वाले हैं, क्योंकि वो जा रखे हैं वियतनाम, तो उनकी सिस्टर है श्वेता दीदी, तो उनका फोन आया था, तो वहाँ चलते हैं, और वहां का मैं इतना लिख के बता रहा हूँ कि वो होली खेलते हैं बहुत गंदे तरीके से, तो मतलब जो मेरी शक्ल है ना अभी, ये वाली शक्ल आप देख लो अभी लास्ट, इसके बाद आपको मेरी शक्ल बदली ही मिलेगी, मेरी उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं पहले से ही,
बाकी जाके देखते हैं क्या होता है वहां पे। बुरा न माने होली राजा, गुस्से को पीजा बोल रंगों की भाषा, जहाँ से मैं आता वहाँ आए दिन कोई किसके गुब्बारा मारा, लेकिन आज दिन प्यारा क्योंकि आज दिया हार और मूड दिलदार, दिखे भाइयों का चार और गुलाल डाला जेब में है पूरे पड़े चार और, तो हाँ जी आज ब्रिज की होली बन रही हार्ड कोर पार्क और हैप्पी होली। देखो मैंने कहा था ना कि सबसे खतरनाक होली मनाई जाती है यहाँ पे, इनके पास देख लो जो मेरी शक्ल है ना, मैं उल्टा नहीं जाऊंगा यहाँ से वापस। मतलब वो तो आ नहीं पाए इनके भाई यानी कि आशु भाई और मेरे दोस्त को बोलते चिराग सर, वो तो आ नहीं पाए, पर ब्लॉग देख के वो शायद फील ले लेंगे पूरा, चिढ़ जाएंगे। अपने जहाँ भी जाओगे वहाँ पे सब आइटम मिलेंगे। ये कहे जी, दही बल्ला, दही बल्ला मिलेगा और मिलेंगे गोलगप्पे मिलेंगे हर घर में ना, ये हमारे शहर की वो है रीत, चलती आ रही पहले से। एक सेकंड रुको रुको रुको, और देखो मुझे एडिटिंग करते हुए रियलाइज हुआ कि मेरे खिलाफ हो रही थी साजिश। अब देखो जरा साजिश कैसे रची जा रही थी मेरे खिलाफ। ये देखो भैया पीछे दीदी को देखो, इशारा करके उन्होंने भाई को बोला कि इसको लपेटना है। अब हाथ में दिया गया, देखो ये दिया गया मौत का सामान, डाल दिया मौत का सामान। अब भाई जाएगा मौत के सामान में जहर मिलाने, वो मिला दिया पानी वहाँ से, और मैं अपना बेचारा आराम से खड़ा हुआ देख रहा हूँ कि पटाखा फटेगा। और मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज भी नहीं हुआ, मुझे लगा यहाँ पे कि जैसे मुझे लगा है गुलाल, मैं बहुत नॉर्मल। फिर मैंने देखा वो लगा दिया, अब शक्ल चेंज, शक्ल चेंज हो रही है। मोहल्ले की गलियों में भग रहे हैं भीगे, पापा के मत्थों पे रंगों के टीके, सब गारे दिल से और सब रंगीन है, ना कोई किसके ऊपर ना कोई किसके नीचे। आया घर में गुजर खाने, वापस भरा गुब्बारों में पानी, खेली गिरी मिट्टी में भी होली। रंग दिया गया बड़ा खतरनाक, जो मैं पहले कर रहा था ना कि यहाँ पे आऊंगा तो मेरी शक्ल ये नहीं रहेगी, रंग दिया गया खतरनाक बहुत ज्यादा। बात ये कि पूरा भिगो दिया और रंग है पक्के वाला। अब गाड़ी में बैठ जाऊंगा तो गाड़ी की सीट तो चलो मुझे चेंज करानी थी सीट कवर, पर बाकी जगह परेशान आ जाएगा, तो थोड़ा खुद को सुखाना पड़ेगा फिर चलूंगा आगे की तरफ। और यहाँ का तो माहौल ही अलग है देखना, तो अगर पहचान में नहीं आ रही, इसका रंग था वाइट और वाइट से हो चुका नीला, जो एरिया बाहर था वो तो गया, जो एरिया अंदर है वो बचा हुआ है। कहा तुम पिछले लोगों से मना कर रहा था कि भाई पक्का रंग मत लगाना है दूसरे कोई हो, और मुझे लपेट दे गया। खैर मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ जाऊंगा तो यहाँ तो मेरी शक्ल चेंज होकर आएगी, और देखो वही हुआ। तो भाई अब इतना हो ही गया है, तो अब चलते हैं अपने बॉयज के पास, अपने दोस्त हैं दो चार, उनसे मिलने चलते हैं और साथ के साथ देखते हैं कि मंडी का माहौल कैसा है। जल्दी मिल गए थे अपने अगले मित्र मिस्टर प्रशांत, हैप्पी होली भाई साहब, हैप्पी होली मेरे भाई, लगा रहा हूं कार्यक्रम कर लाओ, पर लगाओ डीजे। ये का स्टार पिक्चर है, ये स्विमिंग पूल है, लगा रखा से स्टार। तो यहाँ लगवा रखा छत पे स्विमिंग पूल, लगवा रखा बना रखा, यहाँ चल रही होली बड़े दबाव पार्टी के लिए, गर्मियों में बसता है अभी, लाइट लगवा रखी रात में, अंधेरे में जले भी गर्मी लग जाती है, स्पीकर भी लग जाते हैं ऊपर, उधर उधर बोल मतलब ऐसा नहीं कि फुल पार्टी करने के लिए दिल्ली जाओ, दिल्ली जाओ नहीं नहीं, पूरा बड़े सिस्टम रखा प्रशांत भाई ने। एक बात अच्छी लगी मुझे कि टी शर्ट पहन रखी है ये मिस्टर प्रशांत, भाभी जी और ये छोटा बच्चा, नाम पता नहीं क्यों पीछे रंग के नीचे नहीं दिखे जाती हमारी वो ज़दे, रंग जो ना मिटे भांग से ना हिले, लौंड गाते ले जाबी होती तफरी बंद शामिल है, भाना चाहिए बस से खुल गई बोतल, हवा में रंगे तो रुको समय, इस भोले में तुम्हें तो पीटी पर है, त्योहारों पे याद आती किए घर है, जब भी बना प्यारे पर हमें भूखे तो भले रह लूंगा, भूखा निशाना कभी ना चूके, झूमे खेले जाओ कोई नहीं देख रहा है, पिचकारी मोटी है कोई नहीं बच पाए, है मुंह पे पका रंग और उसे पता भी नहीं भाई तेरा भाई सीधे मैया जो आए पलट के होली मैं खेलूंगी डट के, मोरे सैया जो आए पलट के होली मैं खेलूंगी डट के, उनके पीछे मैं चुपके से जाके ये गुलाल अपने तन से लगा के रंग दूंगी उन्हें भी लिपट के, होली मैं खेलूंगी डट के, मोरे सैया जो आए पलट के। एक बात देखो लौंडे कितने बड़े हो जाए पर ये वाला शौक बचपन वाला है, ये तो अलग ही है, ये वाला शौक नहीं, ये वाला शौक नहीं मरेगा, गुब्बारे भर जा रहे गुब्बारे मारेंगे। होली मैं खेलूंगी डट के, सीजन है आइस में खोजा, साथ अपने मिल के ये रंगों का त्योहार, खुशियों में खिल के ये रंगों का त्योहार। तो जी घूमते घूमते अपने और सब्सक्राइबर मिले थे, भाई का नाम हर्ष, तुम्हारा भाई अक्षत, तो देखते हो वीडियोस सारी, वीडियो सारी ऐसे देखने सपोर्ट करते रहना, बिल्कुल बिल्कुल, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली, हैप्पी होली।
ऐसे देखते रहना, सपोर्ट करते रहना, साथ में बोलेंगे हैप्पी होली। भाई आज अपने यूट्यूब फैमिली के साथ होली मनाने मजा अलग ही आ रहा है। रास्ते में सर मिले, सर का नाम योगेंद्र, और आप बताओ अपना नाम दोबारा से। कृतिका। आपका? प्रतीक्षा। देखते हो वीडियो सारी? सारी वीडियो देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऐसे सपोर्ट करते रहना, और आपको हैप्पी होली। हैप्पी होली। तो भैया काफी होली खेल ली, अब मेरा दोस्त है यश, उसकी शादी का मैंने ब्लॉग बनाया था, आपने देखा हो, अब उसके बाद चलते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर तो रास्ते में सब मिल ही रहे हैं, उनके साथ तो अलग ही मजा आ रहा है। आज से पहले तो मैं हमेशा किसी घर जाके बनाता था, अपने छत पे खेली वेली, सड़क पे खेली, अपना घर आ गए। इस बार जब रास्ते में घूम रहा हूँ तब समझ में आ रहा है कि भाई साथ में होली खेलना है, क्या मजा है। तो सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, ऐसे सपोर्ट बना के रखना, और आप सबको फिर से एक बार हैप्पी होली। अब चलते हैं मेरे दोस्त के घर और देखते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है। घर है जाट कॉलोनी में, वहाँ का माहौल देख के आते हैं। भाई घर ऊपर चलने स्पीकर बढ़ गया, देखते हैं क्या मटर चल रहा है ऊपर। होली है क्या? तो भाई यश तो मिला नहीं, लापता लापता हो गया, बहुत लोगों फोन कर लिया, इसके छोटा में मिला अपना काकू, इसको आपने शादी के ब्लॉग में देखा होगा, और यहाँ चल रहे अलग ही मजा है, डीजे लगा रखा, कैसा एक डांस हो जाएगा बारे। तो भैया ये बन रही है होली मुजफ्फरनगर की खतरनाक, और लास्ट में जाऊंगा वापस पूल पार्टी, वहीं पे जो मैंने पूल दिखाया था आपको, क्योंकि वहां जाके बड़े नहाएंगे और वहाँ मजे करेंगे। उससे पहले मैंने सोचा कि सबसे मिलके आता हूँ, सबसे मिलना मुलाना हो गया। अब भैया आपको पूरे शहर की होली दिखा दी, अब लास्ट में दिखाते हैं मुजफ्फरनगर की पूल पार्टी, वो भी अपने घर पे। तो मुझे पता नहीं, हमारा एक कल्चर है कि जो इंसान कपड़े पहने घर से आता है उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं, देखो हालत देखो। बाकी भैया होली बन के बहुत खतरनाक, स्विमिंग पूल में पूल पार्टी कर ली, मेन मैटर ये है कि अब ये रंग उतरेगा या नहीं उतरेगा वो चलेगा पता घर जाके, मुझे भी और आपको भी। अब घर चलते हैं और घर जाके देखते हैं क्या माहौल है। भैया पहुंच गए थे घर और हाल खराब हो चुका था मेरा भी, और गाड़ी का भी देखो, गाड़ी कैसी हो रखी, तो अंदर से गंदे इसको साफ करना पड़ेगा। और घर पहुंचने के बाद पहले तो घर वाले पहचान नहीं रहे थे, कह रहे भैया होली का टाइम है अपने घर चले जाओ, बच्चे ऐसे नहीं करते। मैं कहा जी मैं ही हूँ, यही घर है मेरा। नहीं बेटा होली में थोड़ी ज्यादा हो जाती है, पर ऐसा नहीं करते, घर छोड़ के नहीं भागते, अपने घर जाओ। थोड़ी देर बाद यकीन हुआ, फिर अंदर आने दिया, उसके बाद मैं आके नहाया, और भैया रंग बहुत मुश्किल से उतरा है, कम से कम आधा घंटा बैठ के मैंने खुद को रगड़ा है, तब जाके मेरे मुंह का रंग उतरा, और हाथ का तो उतर भी नहीं पाया ना, हाथ का ना पैर का, कि मुंह पे तो एटलीस्ट तेल था तो तेल ने बचा दिया, तब भी बहुत मुश्किल लगी, अभी भी पूरी तरह उतरा नहीं है वो, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। खैर बाकी मुजफ्फरनगर की होली में मजा आ गया, और जो मेरा प्लान था कि सब्सक्राइबर्स के साथ होली मनानी है, वो मुझे अपना प्लान सही लगा, क्योंकि काफी मजा आया मुझे सबसे मिलने के बाद। फिर तो मैंने मुजफ्फरनगर का आधा पार्ट दिखाया था आपको, जो भोपा पुल के साइड है, भोपा पुल के साइड जो मेन शहर है वहां तक तो मैं पहुंच भी नहीं पाया, तो उस साइड से जिस किसी का भी इंस्टाग्राम आ रखा था, तो बच्चे थे जो मुझे बुला रहे थे और किसी का भी आ रखा था, तो वहां पे मैं उस साइड नहीं आ पाया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट कोई बात नहीं, मैं भी यही हूँ आप भी यही हूँ, दोबारा मिलेंगे, होली भी आएगी दिवाली भी आएगी तो साथ में मनाएंगे। तो फिर अभी के लिए अगर आपके व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना, उसको ऑल पर सेट करना, और आप लोग व्लॉग शेयर नहीं करते हो, पता नहीं क्या रीजन है उसका, शेयर करना व्लॉग का इतना बड़ा काम नहीं, आपकी खाली 10 सेकंड लगेगी, शेयर बटन पर क्लिक करो, उसको व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा वहां पर शेयर करो, फेसबुक का ऑप्शन आएगा फेसबुक पर शेयर करो, और सबको दिखाओ अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स में। बाकी बोलने कुछ फायदा है नहीं ये बात, क्योंकि कब से बोलता आ रहा हूँ कम से कम 250 व्लॉग बना लिए, पर ऐसा आप शायद नहीं करते, तो इस बार हो सके तो कर देना भाई। खैर फिर इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं, आप सभी को दोबारा से हैप्पी होली, और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।